चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। इसमें ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है, इसमें हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार कल की जो क्लास है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ें। क्लियर, देखिए आगे। पास्ट और प्रेजेंट कल बताया था, 00 में क्या होता है जी, बताएंगे सब। 00 में प्रीवियस कंडीशन, 01 में 0 है तो 10, 1 रहेगा तभी 0, 10, 01, 11 पे 00 कल बता दिया था यहाँ तक। ठीक है आशीष, क्लियर हुआ? चलो इस तरीके से नैंड बेस्ड मेमोरी एलिमेंट्स, जब नैंड गेट रहेगा क्या होगा, जस्ट उल्टा, 11 पे प्रीवियस स्टेट और 00 01 पे 10, 10 पे 01, 00 पे 11 और फॉलोइंग सर्किट्स, ये इनपुट्स हमने दिखा था कल। कल क्या था उसका, लैच सर्किट देखे थे, कंट्रोल बेस्ड है ना, नैंड सर्किट्स, इसको हम लोग लैच बोलते हैं, एस आर लैच। एस मतलब क्या है जी, सेट, और आर मतलब रीसेट। 0 कंट्रोल इनपुट 0 है, बंद है सर्किट, तो कुछ भी दो प्रीवियस स्टेट में रहेगा। अब 1 देंगे, ए और बी 0-0 है तो प्रीवियस कंडीशन, 01 पे 10, 10 पे 01, 11 पे 00। उसके बाद एस आर लेच, 00 पे क्या मिल रहा था जी, प्रीवियस स्टेट मिल रहा था। आप दिख रहा है सबको, बड़ा करना है, ठीक देखो आप। एस 00 पे क्या था जी, क्यू एन प्लस क्यू एन मतलब प्रीवियस स्टेट, एस जी एस 0 है तो 0, 1 है तो 1, इसलिए इसको सेट और रिसेट बोलते हैं। 11 पे इंडिटरमिनेट स्टेट आ रहा था, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब देखिए ये आउटपुट है, इसको बता चुका हूँ। डीलेज, डिले, डिले में क्या होगा, जो हमारा इंडिटरमिनेट स्टेट आ रहा था 11 पे, इसको ये ख़त्म कर देगा, मतलब एक इन्वर्टर लगा दिए इस पर। देखो आगे, जो पहले स्टेट था उस पर हमने एक क्या लगा दिया, इस पर क्या था, क्लियर यहां तक? बस इसी में हमने एक इन्वर्टर लगा दिया दोनों, तो ताकि दोनों 1-1 ना हो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिले या डी शॉर्ट में डिले लेच। तो आप लोग सभी क्लास के पहले रिवाइज किया थे, क्लास फ्लिप फ्लॉप्स कंट्रोल लैच क्या बता चुका हूँ है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल डी
कंट्रोल जीरो है तो कुछ भी रहे, कंट्रोल जीरो मतलब ऑफ है, डी कुछ भी रहे, एस आर कुछ भी रहे, पास्ट कंडीशन पे वन है, जीरो है तो जीरो, वन है तो वन, बताया था। डिले बस थोड़ा सा रुक के, मतलब डिले करके आउटपुट देता है, जो दोगे वही, इसलिए इसको बोलते हैं डिले। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप्स है ना, इसका ट्रूथ टेबल, तो ये तो कंट्रोल है डिले का। क्लियर हो गया जी सबको? प्रियंका जी क्लियर हो रहे हैं? जीरो डॉन्ट तो पास्ट वाले, वन देंगे जीरो देंगे जीरो, वन देंगे तो वन, सब क्लियर हो गया यहाँ तक? इन फ्लिप फ्लॉप्स लेच बोथ आर ऑलमोस्ट सेम बट सेंसिटिविटी डिफरेंट, ये बताया था मैंने कल। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लिप फ्लॉप्स को हम यूज्ड एज ब्लैक ब्लॉक बॉक्स सेंसिंग द इनपुट्स, ये फ्लिप फ्लॉप इस तरीके से ब्लैक बॉक्स, ये क्लॉक है जे के, ये कंट्रोल होगा तो लेच हो जाएगा, समझ पाए सब लोग? फ्लिप फ्लॉप्स अगर क्लॉक इनपुट लिखा हुआ, कैसी बोलिए, रिवाइज करा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया था इसलिए, बाकी दिन लेट हो जाता है ना, रिवीजन ही करा रहा हूँ आज, ठीक है? अभी तो 7 से 7:30 रिवीजन करते हैं हम लोग, कल क्या पढ़े थे, उसके बाद देखो टाइम कम है ना, टाइम कम है तो जल्दी ही पढ़ना पड़ेगा, 7 बजे से होगा चलो, ठीक है ना? ठीक है, ओम प्रकाश, रिवीजन कराऊंगा आधा घंटे, जोड़ने में सबको टाइम लगता है ना, मैं 7:30 बोलता हूँ तो 8:30 तक आते हो सब, 8:30 है ना, तो यही तकलीफ होता है, थोड़ा सा पीछे हो जाता है, और रोज़ ऐसे आधा घंटा डेल होगा, 30 दिन में कितना घंटे पीछे हो गए, 15 घंटे, समझ पा रहे सब? तो 7 बजे मैं लिंक भेजा करूँगा, सब लोग 7:30 तक लिस्ट जुड़ जाएंगे, ठीक है जी ओम प्रकाश? वैसे भी आप लोग कौन सा, इसलिए तो रिवाइज करा रहा हूँ देखो, ठीक है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ाया, कल जो पढ़ाया था उसी को रिवाइज करा। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिफरेंट बताया था, ठीक है प्रियंका जी, देखिए फ्लिप फ्लॉप्स और लेज दोनों क्या हैं, सेम चीज़ है, बस उनकी सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। सेंसिटिविटी मतलब इनपुट को कितना जल्दी सेंस करके आउटपुट देता है, उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, समझ पाए? दोनों सेम चीज़ हैं, बस उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, लेच और फ्लिप फ्लॉप्स का। अब आई जी समझ में, ठीक, इसलिए बोला भी हूँ इसको, बट सेंसिटिविटी इज डिफरेंट, ठीक, क्लियर हो रहा है? फ्लिप फ्लॉप्स यूज एज ब्लैक बॉक्स, सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है इसका। फ्लिप फ्लॉप्स 3 टाइप्स के होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स का 3 टेबल याद रखना है, कौन कौन सा, 3 टेबल्स इन फ्लिप फ्लॉप्स, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ट्रूथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल, 3 चीज़ याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़े, चलो
कल बताया था जे के लैच 00 पे प्रीवियस स्टेट, 0 दोगे 0, 1 दोगे तो 1, 1 पे क्यू एन का बार, इसी को रेस अराउंड करंट सिस्टम बताया था, 0 दोगे टॉगल का, 0 क्यू एन, 1 का क्यू एन बार। ठीक, अब देखो इसका फिर से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा आज। ठीक है ओम प्रकाश, आज समझ में आ जाएगा। इसलिए तो देखो इसके आगे जो और सीक्वेंसर सर्किट है, अगर उसको और पढ़ने चालू किए और समझ से बाहर होगा, इससे अच्छा यहाँ तक इसको लिमिट करो। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट है उसमें से आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, यहाँ तक तो बनना चाहिए सबसे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको यहाँ तक सबको आना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आज क्वेश्चन कराऊंगा देखना सब लोग। करेक्टरिस्टिक टेबल एस आर, 00 पे प्रीवियस स्टेट, 01 पे, 010 पे, 111 पे एंड डिटरमिनेंट स्टेट। ठीक है ना, यहाँ तक कल बताया था, क्लियर है ओम प्रकाश। आज क्या करना, सबके सब इसको ड्राइंग शीट में बनाना और सब फ्लिप फ्लॉप्स के फोटो सहित जो आज बताऊंगा उसको चिपका देना और रोज़ देखना उसको एग्जाम तक। डेफिनेटली 1 क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन जनरेट करता है केवल फोटो से, है ना, ज़्यादा नहीं पूछता। मैं देखा हूँ एग्जाम में जेई लेवल के 1 लाइनर क्वेश्चन ज़्यादातर रहते हैं, मतलब एक लाइन में आंसर आएगा ज़्यादातर क्वेश्चन के, तो 60% जो क्वेश्चन है आपके ऐसे आएंगे। देखना अभी सब लोग देखो, 00 तो क्यू एन प्रीवियस स्टेट, 0 है तो 0, एस 1 है तो 1, दोनों 1 है इंडिटरमिनेट स्टेट। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को तकलीफ बताएं। क्यू एन मतलब होता है जो पहले उसके पास इनपुट्स था, जैसे तुम्हारे पास दिमाग में कुछ ना कुछ डाटा है ना पहले से, ठीक है, हाँ वही है, तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ डाटा है जो मैं कुछ भी नहीं दिया हूँ, ठीक है ना, उसे बोलते हैं प्रीवियस स्टेट, जो भी है 0 है 1 है, ये होना चाहिए उसके पास प्रीवियस स्टेट। ठीक, ये पीछे मैंने समझाया था, ये पीछे मैंने समझाया था, ये कहाँ से आया करके, सबसे शुरू में ये वाला सेट रिसेट वाला है ना, जैसे ये वाला अगर याद होगा। चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं, कौन सा गेट है ये बताओ, एक्स और गेट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि बताना पड़ेगा फिर से। एक्स नॉर, तो एक्स नॉर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल या मतलब ट्रूथ टेबल क्या था, 00 01 1 0 11 है ना, आउटपुट वाई। तो 00 पे क्या होता है ओम प्रकाश, वन और 00, हाँ अब ए भी 0 है,
ठीक है, जीरो है और ये जीरो है, ठीक, और ये कुछ भी हो, एक समान लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एक आ रहा है, ठीक, ओम प्रकाश। तो यहाँ क्या मिलेगा, जब एक जीरो है तो दूसरा क्या मिलेगा, ठीक है ओम प्रकाश, एक्स का बार मिलेगा ना, तो एक्स का बार अब आएगा तो क्या मिलेगा, वापस से। तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, इसलिए तो बोला यहाँ पर कि जब आपका ये सब समझाया था पहले, देखो जीरो जीरो तो पहले जैसा था वैसी था, अब आया समझ में, पहला वाला क्लियर हुआ, अब क्लियर तो और बताना पड़ेगा। वो सीक्वेंस में है एक एक दूसरे, हाँ, पीछे में है ना, इसलिए कल पढ़ाया हूँ ना, शुरू से पढ़ाया था कि इसके बाद ही आएगा, इसके बाद ही आएगा, इसके बाद ही आएगा, नाम है ना सीक्वेंशियल, तो सीक्वेंस चलेगा सब चीज, है ना। और अभी आप लोग को मेहनत ज़्यादा करना है ना, एक तो डिप्लोमा पढ़े नहीं हो, दूसरा चीज़ अभी जॉब अलग है, उसके साथ पढ़ना, उसके बाद ये सब चीज़ पहली बार पढ़ रहे हो लाइफ में, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, एक ही दिन में सब चीज़ थोड़ी समझ जाओगे, एक दिन पढ़े, दूसरा दिन पढ़े, तीसरा दिन पढ़े, चौथा दिन पढ़े, तब जाके चीज़ें समझ में आता है। फिर मैंने हिंट दिया, आज कुछ समझ में आया, कल कुछ समझ में आया था, आज फिर पढ़ोगे जाके तब जाके समझ में आएगा, फिर टेस्ट दोगे, फिर रिविजन करोगे, समझ पा रहे हो, सीक्वेंस है, ठीक। चलो देखो आगे, अब जीरो ट्रूथ टेबल दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक टेबल, जीरो जीरो था तो तुम चाहे जीरो दो तभी जीरो मिलेगा, जीरो वन दो, वन दोगे तो वन मिलेगा, मतलब जो प्रीवियस था वही मिलेगा यहाँ पर, अब आया समझ में। जब जीरो जीरो दे रहे हो तो जो तुम्हारा पास्ट आउटपुट था, जो पिछला आउटपुट था वही रहेगा, तुम जीरो हो तो जीरो हो, वन है तो वन, अब आया समझ में, यहाँ तक क्लियर, फर्स्ट स्टेप बता दे जाओ। आगे बढ़े, जीरो वन, जीरो वन, और जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं उनको कुछ समझ नहीं आएगा, रेगुलर क्लास अटेंड करो, है ना। देखो ये एक बार की है, एक बार एग्ज़ाम में क्लब एग्ज़ाम क्लियर करके जेई बन गए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ टाइम में, है ना, इस तरीके से पढ़ो, ठीक है, मेरा काम है बोलना रोज, जब तक तुम लोग पढ़ोगे नहीं, जीरो वन, जीरो वन, तो ये जीरो वन में जीरो दोगे तब भी जीरो मिलेगा, वन दोगे तब भी जीरो मिलेगा, ठीक है ना जी, यहाँ तक क्लियर। एस जीरो है तो बाय डिफॉल्ट आउटपुट जीरो होगा, ऐसे याद रखना, वन है तो वन मिलेगा, और वन वन है दोनों तो इनडिटरमिनेट नहीं मिलेगा कुछ, डोंट केयर, ठीक है समझ में, यहाँ तक ओम प्रकाश क्लियर हुआ। तो ही बोल रहा हूँ, धीरे धीरे क्लियर होगा यार, क्या है ना, हम लोग कॉलेज समय नहीं पढ़े अच्छे से,
और अभी डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, वो छूटने के बाद तो तकलीफ होता है ना। अब अभी आओगे प्रकाश, ताओ तकलीफ है, ताओ तकलीफ है, भाटा पताल सब्जी फिर ले क्या, अलग तकलीफ है ना। ठीक, वेरी गुड, भगवान तुमको शक्ति दे लंबी। चलो देखो, अब ध्यान दो इधर, जब क्यू और क्यू बार दोनों के दोनों जीरो थे तो एस हमेशा कौन से पोजीशन में था? देखो ध्यान से, जीरो पोजीशन में था है ना जी, और आर जीरो से वन में था, इसलिए उसको डोंट केयर बोलते हैं है ना, या क्रॉस कर दो। अब आया समझ में आता? अब देखो जीरो वन सर्च करो, जीरो वन कहाँ पर है, इस तरीके से जीरो वन, और कहाँ पर है, जीरो वन है, तो जीरो वन है तो क्या है जी आपको, 1 0 ठीक है ना। उसी तरीके से 1 0 है जस्ट उल्टा, 0 1, और 1 1 है तो 1 1, तो ये फिर डोंट केयर जीरो। ऐसा में अब देखो, अब इसी से हमको बनाना रहेगा आउटपुट का एक्सप्रेशन, जो ये आया था कल नहीं बताया था मैंने, इसको आज बताऊंगा, एस प्लस आर क्यू एन, ये क्या होगा देखो। जैसे कि आपको देखना है इस तरीके से ट्रिक, ट्रूथ टेबल बनाना है, क्या बोलते हैं, के मैप, के मैप बनाया था ना। चलो देखो यार, ये वन कहाँ कहाँ पर है, वन पे है, और देखो वन कहाँ पर है, क्यू एन प्लस वन, 0 1 1, ये कितना है, 4 लिखा हुआ है ना, और ये कितना लिखा हुआ है, बाइनरी में कन्वर्ट करो, 5, तो 1 4 5, और डोंट केयर 6 और 7, 6 और 7 पे क्या है, डोंट केयर है, ठीक है। वर्षा तुम्हारा पहला क्लास है क्या, और अटेंड किया हो वर्षा? क्लियर हुआ तो कहा, पहला क्लास है तुम्हारा, डिजिटल पढ़े हो, इस सेमेस्टर में था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पढ़े हो ना ये सब, फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लिप फ्लॉप से पढ़ा रहा हूँ। देखो कौन कौन से, हाँ कौन कौन से में था, 1 4 5 6 7, तो 1 ये 4 होता है, 5 और 6 7 में क्या है जी, डोंट केयर वाला बताया था ना ऐसे जी, डोंट केयर वाला, तो यहाँ से देखो ये 4 का जोड़ी बन रहा है ना, तो 4 का जोड़ी बन रहा है, तो इससे बाहर क्या निकलेगा, एस निकलेगा, हाँ, और यहाँ से क्या निकलेगा, ये वाले से आर का बार क्यू। तो ये पूछता है एग्जाम में आपको कि नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, आवाज समझ में, इसको समझ पाए ओम प्रकाश, वर्षा समझ पाए, तुमको बोला था ना रोज क्लास अटेंड करोगे, क्या चीज लिखा हुआ है बोलो, तुम बताओ क्या लिखा हुआ है।
सब कुछ लिखा हुआ ना, समा प्रोडक्ट्स। ठीक, इसलिए बोल रहा था उस समय से पढ़ो रोज करके, तब ये सब क्लियर होता। ठीक, अब क्लियर। एस आर फ्लिप फ्लॉप पढ़ा है मैंने, फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े हो इंजीनियरिंग में। ये हो गया इसका आउटपुट एक्सप्रेशन, फ्लिप फ्लॉप पढ़े हो जी वर्षा। चलो ठीक, इस तरीके से जेके का ट्राई करोगे सब लोग, कैसे बनाएंगे देखो। ट्राई करो सब लोग, जहाँ जहाँ वन है उसको काउंट करो, बस देखो कहाँ कहाँ पर वन है। वन पे है और आगे, फोर पे है, फाइव पे है, फोर फाइव सिक्स। चलो बनाओ जे के क्यू एन, चलो बनाओ जी इस तरीके से बनाओ। ट्रूथ टेबल क्या बोलते हैं, के मैप, वर्षा आता है ना के मैप बनाना। बनाओ सब लोग, बनाओ ट्राई करो। वेरी गुड, देखो इधर, यहाँ पर बनाया जेके का, किस पे किस पे है, टू फोर फाइव सिक्स, सिक्स यहाँ से दो का जोड़ी बन रहा है इस तरीके से, फिर इधर दो का। ठीक है, वैसा वर्षा पृथ्वी क्यों नहीं पड़ रहा है, उसको भी पढ़ना चाहिए, कितना आना चाहिए, आ रहा है सबसे। सबसे आया पायल, ठीक। आप समझ पा रहे हो कि आउटपुट कैसे निकलते हैं, इसी को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को क्या करना है, आज जो भी क्लास होगा उसका ड्राइंग शीट बनाना है और चिपकाना है। मैं ऐसे ही करता था, रोज़ देखता था, इसलिए मेरे को याद है सब चीज़, ठीक है ना। रोज़ देखता था उसको जब पढ़ाने के लिए, कोई भी चीज़ कठिन है उसको सरल बनाने का, रोज़ पढ़ो याद रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो रेस अराउंड कंडीशन कौन सा फ्लिप फ्लॉप में आता है ऐसा पूछता है, तो कौन सा याद रखेंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप्स में। और केवल ये कंडीशन केवल फ्लिप फ्लॉप्स में आते हैं, रेस अराउंड कंडीशन और किसी में नहीं आता, ठीक है ना, रेस अराउंड कंडीशन। अब देखो जीरो जीरो, जीरो जीरो सर्च करो इसको, जीरो जीरो और कहाँ दिख रहा है जीरो जीरो, ये सब पढ़े हो जी वर्षा इंजीनियरिंग में। तो इसको जेई के से क्या बोले, तो डिप्लोमा भी तो है ये सब चीज़, जीरो जीरो।
तो इसको अभी पढ़ना है क्योंकि जेई में कभी भी पूछ देगा कुछ भी, ठीक है ना। प्रीवियस लेक्चर्स आपसे रोज अटेंड करना, प्रीवियस लेक्चर्स यूट्यूब में मिल जाएगा, पूरा सीरीज है। 00, अरे 00, तो जे 07 में, के 07 में, तो 07 हो रहा है उसको क्रॉस कर देना, ठीक है जी। और जो नॉर्मल रहेगा जे हमेशा 0 है, समझ पाए सब लोग। 01 सर्च करो, 01 क्या होगा, 01 कहाँ पर है सर्च करो। 01 यहाँ पर है, और कहाँ पर 01 है, 01 यहाँ पर है। देखो जे हमेशा 1 पे है, के 07 में चेंज हो रहा है इसलिए उसको डाउन किया, ठीक है ना। और 10 10 सर्च करो, ये 10 और ये 10, तो 07 17 इस तरीके से। नेक्स्ट 11 पे देखो क्या मिलेगा, डोंट केयर 0, ये समझ में आया। करेक्ट, एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाता हूँ, ठीक, ये सब जरूरी है, आगे नहीं बना पाओगे कुछ अगर ये सब क्लियर नहीं है तो, है ना। हाँ, रेस अराउंड कंडीशन देखो, जब मैंने 1 1 दिया तो 07 में कन्वर्ट हो गया, और फिर मैंने 1 1 दिया तो 1 था 0 में कन्वर्ट हो गया। तो सेम इनपुट पे आउटपुट अलग आ रहा है जी, देखो एक बार, समझ पा रहे हैं। बताया था नॉइस वाला कंडीशन, केवल नॉइस के कारण 07 में जो आता है 1 से 0, इसी को बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। अब आए समझ में। टॉगल अलग चीज़ है, टॉगल अलग है, इसको रेस अराउंड कंडीशन बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके IAS पेपर में, है ना, तो जो बोल रहा हूँ उसको याद रखना, ठीक है। ठीक, बस याद रखना है कि फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन आता है, वो भी JK फ्लिप फ्लॉप, इसी को बचाने के लिए हम लोगों ने आगे बनाया D फ्लिप फ्लॉप। ये देखो D फ्लिप फ्लॉप्स, D फ्लिप फ्लॉप्स, जीरो जीरो मिलेगा, 1 से 1 मिलेगा, ठीक है ना। देखो 0 0 0 0 1 दोगे तब भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 0 है तो, 1 1 है तो 0 दोगे तब भी 1 मिलेगा, 1 दोगे तब भी 1 मिलेगा, ठीक है। शिवानी समझ में आया, शिवानी जीरो जीरो पे 0 0 है तो क्या मिल रहा है, 0। 01 तो क्या मिल रहा है जी, 1 मिल रहा है। 10 पे 10 चेक करो, 0 मिल रहा है, और 11 पे 11 पे 1 मिल रहा है, तो जो मिल रहा था उसको मैंने शार्ट क्लिक दिया यहाँ से। ये सब चीज़ों को टांगो और रोज देखो। देखो जो Qn+1 है यही तो हमारा D है, जो है वही दिख रहा है, 0 0 1, तो 1 0 1 सेम चीज़, इसे Qn+1 D के बराबर है, ऐसा नहीं, इसके लिए डायरेक्ट आ गया, निकालने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ट्रुथ टेबल्स, भी क्या चीज है जी, 0 पे Qn, 1 पे Qn बार, इसको बोलते हैं टॉगल, आया समझ में।
ये है जीरो देने पे जो पहले था वैसी, वन देने पे उसका बार। तो देखो, 0 0 दिए तो जो है वही आ गया, वन है तो वन आ गया, वन रहेगा तो टॉगल हो जाएगा, 0 रहेगा तो वन, वन रहेगा तो 0। समझ में आ रहा है सबको टॉगल वाला? देखो तो अभी तक कोई चीज़ नया नहीं पढ़ाया, रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि तो ऐसा टॉपिक ही है ये चीज़। हम लोग के साथ भी ऐसे ही हुआ था, इंजीनियरिंग में पढ़ते नहीं ना, इंजीनियरिंग में तो आदमी हीरो बन जाता है, ये तकलीफ है ना। इंजीनियरिंग करा था मैं, ठीक है ना, कैसा था ना। एक्सपेक्टेशन, जैसे ही कॉलेज में एडमिशन हुआ लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है, BMW खड़े रही जस्ट बाहर, लेकिन जैसे ही इंजीनियरिंग निकलते हैं तब याद आता है क्या है। कैसे जी 0 0 तो फिर क्या होगा? 0 0 है तो देखो, 0 है तो 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे फिर से 1, और 1 1 पे क्या मिल रहा है? 0। तो ये आउटपुट कब मिलता है जी? 0 1 1 0 कौन से गेट पे मिलता है? हाँ, तो Qn+1 जो है एक्स और है इन दोनों का, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, आपको मिल जाएगा स्पष्ट कि इसका एक्सक्लूसिव और करोगे, ठीक है ना जी, तो ये मिलेगा। ठीक है भाई साहब, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, एक जैसे मैंने बताया था आपको याद होगा, तो नैंड गेट बनाना, नैंड गेट से नॉर गेट, और गेट, ठीक है ना, सब गेट बनाए थे ना हम लोग। उसी तरीके से एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरा फ्लिप फ्लॉप बनाना, ये सीखना है हमको। देखो इसके स्टेप्स हैं, राइट द ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल फॉर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। जैसे आपको JK चाहिए SR से, ठीक है, SR से क्या चाहिए? JK चाहिए, तो JK का पहले आपको ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। उसके बाद द टेबल मस्ट कंटेन कॉलम फॉर गिवन फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, कॉलम मस्ट बी फिल्ड विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन टेबल ऑफ गिवन फ्लिप फ्लॉप्स। उसके बाद उसके जो इनपुट्स हैं उसको भरना पड़ेगा SR फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंग। समझ में आएगा सबको, स्टेप्स दिख रहा है, जब प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद क्या है, फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन, उसको सॉल्व करके बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करना है, उसके बाद ड्रॉ करेंगे सर्किट, ठीक। तो ये 3 स्टेप है, समझ में आ जाएगा, देखो ध्यान से। जैसे मेरे को SR2 JK बनाना है, ठीक है, कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे, JK लिखेंगे। देखो कहाँ कहाँ से क्या बनाना है ये ध्यान दो, तुमको चाहिए क्या? हमको SR से क्या चाहिए? JK चाहिए, ठीक है ना जी। जैसे एग्जाम्पल,
तुमको कुछ भी बनाना है, जैसे कि बिरयानी बनाना है, तो बिरयानी किससे बनेगा? कैसे जी भावेश, बिरयानी कैसे बनता है? कौन से चावल से बनता है पता है? तो उसके लिए वो चाहिए ना, अब बासमती चावल। क्या जी? क्या बोली? एक बार रिज्वाइन करो, है ना, फिर आ जाएगा। नेटवर्क की सुख कारण होगा। देखो ध्यान से, जेके फ्लिप फ्लॉप, तो हमको बनाना क्या है? एस आर से जेके। तो एस आर से जो भी बनाना है, जैसे मैं बताया बिरयानी बनाना है, तो बिरयानी के लिए इंग्रेडिएंट लगेगा ना, बिरयानी मसाला लगेगा और जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो लगेगा। कुकर मार्क लाओगे वो अलग है, तो सब चीज़ लगेगा नहीं, तो ये तो तुम्हारे पास है। वैसी हमको चाहिए क्या? जेके। तो जेके को याद करो, जब 00 रहता था क्या मिलता था जी? 00 में पास्ट आउटपुट मिलता था, 0 है तो 0, 1 है तो 1, यहाँ तो क्लियर हुआ, जो है वही मिलेगा। अब याद करो 00 पे क्या मिलता था? 0 है तो 0 है तब भी 0, 1 है तब भी 0। क्लियर हो रहा सबको? धीरे धीरे क्लियर होगा। मैंने क्या बोला, जो भी फ्लिप फ्लॉप चाहिए आपको, उसका जो टेबल है ट्रूथ टेबल, उसको ड्रॉ करना है, ठीक है ना? समझ पाए कि नहीं दीपक? वन है, 10 है, तो मैंने बताया था कि जे डी वन है, 0 दोगे तब भी 1 मिलेगा, 1 दोगे तब भी 1 मिलेगा, 1 1 है, दोनों रेस अराउंड कंडीशन, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। पंकज जी समझ में आया यहाँ तक? मतलब मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, जो पहले हमने ट्रूथ टेबल पढ़ा था उसको मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। कौन सा फ्लिप फ्लॉप का? जेके का, क्योंकि हमको जेके चाहिए ना। ठीक, अब आगे इसके आगे देखते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत यहाँ तक? एनीवन? सात्विक? ठीक, अब ध्यान दो यहाँ पर। जब 00 होता है तो क्या होता है? देखो यहाँ से प्रीवियस स्टेट में, यहाँ देखो कौन सा फ्लिप फ्लॉप देख रहे हैं हम लोग? एसआर। तो 00 में क्या होता है? देखो यहाँ से, अब ये एक्साइटेशन टेबल, यहाँ देखो आपको जब भी 00 रहता है तो क्या होगा?
यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो इसके बाद देखते हैं आगे। अब देखो इसको, इसमें आपको दिख रहा होगा, देखो बगल में रख देता हूँ यहाँ पर। अब देखो जब जीरो जीरो रहता है तो एस क्या मिलता है जी, जीरो डॉन केयर। देखो जीरो जीरो पे जीरो डॉन केयर। अब आया समझ में सबको कि यहाँ से ये कैसे बना? इसलिए बोला था प्रीवियस चीज़ें याद होना चाहिए। तो याद कब रहेगा? जब आप रोज़ देखोगे उसी चीज़ों को, ठीक है ना। जैसे अपने घर का रास्ता बोलते हो, कोई भी एनी वन, कैसे जी बोलते हो अपने घर का रास्ता। उसी तरीके से आप अगर रोज़ देखोगे तो याद रहेगा। जीरो 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 है तो देखो ध्यान से, जीरो डोंट केयर, दिख रहा है? क्लियर हुआ? मैंने इससे एक कैसे ड्रॉ किया, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा। अब क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? चलो नेक्स्ट, वन वन सर्च करो। वन 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 पे क्या था? क्रॉस डोंट केयर। देखो यहाँ से वन वन पे क्रॉस डोंट केयर, एस डोंट केयर आर जीरो। वन वन पे डोंट केयर जीरो है समझ में? कैसे जी बताएंगे? हाँ 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 सर, हाँ सर भेज दो, ज्वाइन करो ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है आगे बनाते हैं आप। आगे बनाते हैं आप। हाँ तभी बनेगा। इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, बात को मानते जाओ, मेरा जो बोल रहा हूँ वो करो। अब क्लियर हुआ? बन गया सब चीज़ यहाँ से? ऐसे जी ओम प्रकाश बना, यहाँ से ये बना पाए। अब आगे देखते हैं। अब सर्च करो एस को कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से पोजीशन में है। देखो सर्च करो, कहां पर बने? वेरी गुड, फोर पे है। देखो ये फोर पे है ना, ये फोर पे ये वन है। उसी तरीके से डोंट केयर कहां पर है? वन पे डोंट केयर पे है। और उसी तरीके से देखो इधर,
फाइव पे डोंट केयर, सिक्स पे वन, आए समझ में? इसी तरीके से इसको डायरेक्ट लिख दूँ, हम समझ गए ना कहाँ से क्या आ रहा है। देखो एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है ना, इसके बाद भी नहीं पढ़ोगे तो कैसा होगा। समेशन एस कहाँ पर आया जी? चार और छः पे वन आया, डोंट केयर वन फाइव पे। उस तरीके से आर थ्री और सेवन पे आएगा, चेक कर लेना, डोंट केयर जीरो वन। अब मैंने बताया था जोड़ी बनाना है, जोड़ी अगर ये हमारा साथ दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है छोड़ दो। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? एस प्लस क्या मिलेगा जी? एस इंटू क्या मिलेगा? देखो जीरो से वन में चेंज हो रहा है, क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। उस तरीके से नेक्स्ट, हाँ जे होगा, जे होगा, जे क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जे है यहाँ पर, एस के लिए मैं ये दे रहा हूँ। नेक्स्ट उसी तरीके से आर के लिए के क्यू एन, आया समझ में? अब चलो अब देखो, अब ब्लैक बॉक्स रिप्रेजेंटेशन, एस आर हाँ कहीं खो गया था क्या किसी की याद में? नहीं मैं पता चला था कोनों के याद में खुल बारिन कोनों। हेलो हाँ देखो ध्यान से, मैंने बताया कि जो है जोड़ी बनाते थे ठीक है ना, कैसे जी दीपक जोड़ियाँ कहाँ बनती हैं? अपन बनाते हैं, देख जो ऊपर बनी भगवान थोड़ी बनाते हैं, अमित में बनाते हैं, आजकल फेसबुक बनाते हैं ठीक है ना जी दीपक। चलो इंटरनेट में सब मिलते हैं। चलो देखो ध्यान से, और इसी तरीके से आर के लिए थ्री सेवन, थ्री सेवन ये जीरो जीरो ये ख़त्म, तो के क्यू एन इस तरीके से। अब आया समझ में? ठीक दीपक अब देखो हमको एस को क्या देना है जी? जे क्यू एन का बार, तो ये जादू से नहीं आएगा, एंड गेट है ना, एंड गेट यहाँ से मैंने जे दिया। अब क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट यहाँ से जाके डाल दो, तो ये एस में जाएगा। उस तरीके से के उसके लिए क्या चाहिए हमको? क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से। तो ये आर के लिए इनपुट बनेगा, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप अब कैसे काम करेगा जी? जे के की तरह। तो ये होता है, इस फोटो को याद रखना, डायरेक्ट पूछता है ये कौन सा है करके, तो एस आर देख के टिक करके मत आया ना, है ना, जे के है ये, समझ पाए सब लोग? कन्वर्जन समझ में आया? बताएंगे सब लोग, वसु बढ़िया। उस तरीके से ये तो ब्लैक बॉक्स रिप्रेजेंटेशन, उस तरीके से अगर इसमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? देखो जे इसमें क्या चाहिए हमको? क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, ये इस तरीके से जा रहा है। यहाँ पर क्यू चाहिए,
क्यू आर है, के आर है, ये हमारा एस आर लैच है, ठीक। इस तरीके से दोनों याद रखना, दोनों फुटों को, दोनों एक ही चीज़ है। इसको ब्लैक बॉक्स जैसे ये है ना, इस पूरे को ये बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक। समझ में आया सब लोग? चलो नेक्स्ट ट्राई करेंगे सब लोग, इसको ट्राई करो सब लोग। जे के टू टी, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए तुमको, किसका टेबल चाहिए? जे के, टॉगल का याद है ना? चलो देखते हैं किसको याद है। तो टॉगल में क्या होता है? देखो हमको टॉगल चाहिए, टॉगल को ड्रॉ करो। टॉगल क्या होता है जी? एक्सक्लूसिव और, अगर आपको पता होगा तो, अभी बताया हूँ मैंने, ठीक है ना? पता है नहीं, एक्सक्लूसिव और गेट होता है 0000 011 101 110। इसको इतना तो याद होगा सबको, अच्छा जी, इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं। अब देखो 00 पे क्या मिलता था, जीरो डोंट केयर, इसको याद रखने का तरीका बताया था ऐसे ट्रिक, ठीक, इसको ऐसे याद रख सकते हो इस तरीके से, है ना? या ऐसे भी इस तरीके से जे, और ये जस्ट उल्टा, डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर 1010। ऐसा नहीं, क्लियर? अब क्लियर हुआ? चलो देखो, समझ में आया ना नहीं सबको? ये कैसे आया, समझ पाए ये कैसे आया? बोलेंगे सब लोग साधारण ऐसा में कैसे है। अब देखो जीरो, फिर सब जगह वन है, वन, फिर डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर वन, टू क्रॉस टू का बनाना है। तो यहाँ से देखो दोनों को जोड़ी, यहाँ से क्या निकलेगा जी? तो जे इक्वल टू टी, इसी तरीके से इसको जोड़ी बनाओगे तो के इक्वल टू टी, जे और के दोनों को कॉमन कर देंगे तो ये मिलेगा हमारा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप्स टॉगल वाला, ठीक है? इस तरीके से जे और के दोनों को बराबर कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है? टॉगल फ्लिप फ्लॉप, जे और के दोनों को बराबर ऐसे दिखाएगा आपको ब्लैक बॉक्स रिप्रेजेंटेशन। तो आपको समझना है ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, जे और के को कॉमन कर देंगे तो आपको समझना है ये अब जे के नहीं रह गया, ये टॉगल हो गया, ठीक है ना? ठीक है दीपक, बिहाव के बाद समझ गए, वही चीज़ें नहीं रह जाती। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिले टू जेके, इसको ट्राई करो सब लोग कैसे बनेगा। इसको ट्राई करो आप लोग, चलो कैबिन पेन उठाओ, देखो यहाँ पर बना हुआ है, इसको ट्राई करेंगे आप लोग, दिख रहा है? जेके कहाँ से कहाँ बनाना है, डिले मतलब डी फ्लिप फ्लॉप से जे के बनाना है, मतलब आपके पास है क्या? डी फ्लिप फ्लॉप है, आपको यहाँ से क्या बनाना है? जे के बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे जी? स्टेप वन, जे के का क्या लिखेंगे? ट्रूथ टेबल। उसके बाद इससे हम लोग क्या बनाएंगे? डी के लिए एक्साइटेशन टेबल। चलो ट्राई करो सब, चलो
बनाने की कोशिश करो, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। एक काम करता हूँ, 10 मिनट का ब्रेक, इसको ब्रेक में बना के रखोगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास इसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है?